वेलकम टू कला क्रिएशंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इस राउंड नेक के बारे में, जिसे मैंने फाइकस के कुछ प्लान से बनाया है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और क्रिएटिव लगती है, लेकिन इसे बनाना बहुत ही सिंपल और इजी है और इसे हर कोई बना सकता है। और बात करेंगे इसे कनेर नेट के बारे में, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। अब इसमें कितने फ्लावर्स आ रहे हैं, हम इसका अपडेट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये नेट बनाने के लिए मैंने इस तरह का टेराकोटा पॉट 10 इंची का लिया है। आप इसमें और भी कोई क्रिएटिव पॉट ले सकते हैं। और ये मैंने कुछ प्लांट्स फाइकस के लिए हैं, ये 10 प्लांट्स हैं और इनको हम पेयर एक एक पेयर में लगाएंगे। दो प्लांट्स को मिला के हम एक एक पेयर बनाएंगे और जो इसके एक्स्ट्रा रूट्स हैं हम उनको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे ताकि इसके अंदर अच्छे से लग जाए प्लांट्स। अब हम इसको 2-2 इंच के गैप से प्लांट को लगा लेंगे इस तरह। अब करीब 1 महीने बाद हम सेट होने के लिए छोड़ देते हैं और हम देखेंगे हमारे प्लांट सारे सेट हो गए। अब हम इसमें जो गार्डन सॉइल लेते हैं, इसके लिए हम नॉर्मल गार्डन सॉइल ही लेते हैं। इसमें हम और कुछ भी नहीं डालते और एक मुट्ठी करीब बस हम खाद डालते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को हमको ज्यादा बड़ा नहीं करना होता है। और जो हम इसमें प्लांट्स से नेट बनाते हैं, वो प्लांट्स में हम नीम के प्लांट्स ले सकते हैं, हम कनेर के ले सकते हैं, हम इसमें मॉलश्री का प्लांट ले सकते हैं और हम फाइकस की हर वेराइटी जैसे वेरिकेटेड ले सकते हैं। और हम बात करते हैं जब नेट बनाने के लिए हम ऐसे प्लांट्स जिनकी सरफेस थोड़ी हार्ड हो, जिसका जो तना होता है थोड़ा सा हार्ड हो। और अब हम इसको क्रॉस करके इन प्लांट्स को इस तरह सुतली से बांधें। आप मोटा थ्रेड भी ले सकते हैं इन्हें बांधने के लिए। अब इस तरह हमने पूरे प्लांट्स बांध दिए। अब हम ये जो प्लांट्स हैं हमारे, इन स्टेम्स को खाली करने के लिए कुछ कुछ इसकी जो छोटी ब्रांचेस होती हैं उन्हें हम साफ कर देंगे, क्योंकि हमें नेट बनानी है और इसके तना हमको बिल्कुल साफ चाहिए इस तरह। अब हम इस नेट बनाने के लिए हम इस गमले के अंदर एक कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा या हम कोई गमला इस तरह फंसा सकते हैं। अब जो हम फर्स्ट रो बनाएंगे इसको हम क्रॉस करके इस तरह नॉट लगाएंगे। नॉट लगाते समय हम प्लांट पे जोर नहीं डालेंगे, हम रस्सी को ही सिर्फ टाइट करेंगे और हम दोनों प्लांट के बीच में नॉट जरूर लगाएं। इससे ये होगा कि दोनों प्लांट आपस में जुड़ जाएंगे और खिसकेंगे नहीं, क्योंकि आगे जाके ये रस्सी खुल जाती है मतलब, ताकि ये प्लांट्स अपने आप आपस में चिपक जाते हैं। अब हमने ये फर्स्ट रो बना ली, लेकिन हमारा ये वो जो गमला हमने पहले लगाया था डिब्बा, वो हमारा थोड़ा लूज था। अब हम इसमें दूसरा ये प्लास्टिक का पॉट लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें लूज चीज नहीं रखनी, हमें तो ऐसे रखना है जैसे इसमें फंस जाए, टाइट हो जाए। अब हम जब सेकंड रो बनाएंगे तो जो हमने फर्स्ट रो में पहला प्लांट था, वो सेकंड रो में जो पहला प्लांट था वो पीछे की तरफ चला जाएगा और जो इधर सेकंड था वो हमारा इसमें आगे आ जाएगा। इस तरह हम इसको ऑपोजिट हर लेयर में करते जाते हैं प्लांट्स। और हम नेट हमेशा की तरह बहुत टाइट लगाएंगे। हम जब भी ये नेट बनाते हैं तो हम ये जो हमने इसके डायमंड शेप बनाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें इसे नेट को छोटा बनाना है तो हम इसे छोटा भी बना सकते हैं, उसके लिए हम प्लांट्स को थोड़ा पास पास लगाएं। लेकिन अगर हम इसे दूर दूर और थोड़ी बड़ी बनाते हैं इसका हम डायमंड, तो इसका ये मतलब होता है कि क्योंकि आगे जाके प्लांट्स के तने मोटे होते हैं तो ये नेट फिर धीरे धीरे थोड़ी पास पास आ जाती है, छोटी हो जाती है। तो अगर ये चौड़ी रहेगी, हमारा डायमंड शेप जो हमारा थोड़ा चौड़ा रहेगा, तो ये प्लांट्स अच्छे से ये नेट इसकी साफ साफ दिखेगी। अब जो ये गमला हम इसके अंदर रखते हैं, ये गमला करीब हम 1 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गमला रखने का एक ही मतलब होता है, क्योंकि ये जब हम नेट बनाते हैं तो आगे जाके ये हमारी, अगर हम ये गमला नहीं रखते हैं सपोज, तो ये नेट हमारी श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो जो हमने नीचे से बनाया है उतना ही अगर ऊपर इसकी चौड़ाई रखे रहनी चाहिए, इसीलिए हम इसमें ये पॉट लगाते हैं। अब हम इसकी केयर के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम इसमें खाद भी नहीं डालेंगे। हम कभी कभी महीने में एक बार सिर्फ NPK 1919 का हल्का सा स्प्रे 1 लीटर में आधी चम्मच डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं। अब हमारा ये देखिए कनेर नेट, मैंने जो आपके साथ पहले शेयर किया था, इसका भी मैं आपको अपडेट देती हूँ। इसमें अब इस समय बहुत अच्छे फ्लावर्स आ रहे हैं। जब इसके फ्लावर्स चले जाते हैं तब हम इसकी कटिंग करते जाते हैं और ये प्लांट अपनी नेट हमेशा चलती रहती है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, खाद नहीं डालनी है, सिर्फ NPK फ्लावरिंग के लिए NPK 1919 का ही हल्का सा हम स्प्रे कभी कभी महीने में 2 महीने में एक बार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे क्रिएटिव आइडियाज अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक छोटा सा लाइक भी करिएगा।
और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा ताकि सब लोग इस तरह की क्रिएटिविटी सीख सकें, क्योंकि मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन हम इसको घर में आसानी से बना सकते हैं।